Hello, I'm Adya Kalra from Class 9, JSS Public School. To me and my teammates are going to present a drama on Namami Ganga for the National Mission to Clean Ganga, our holy river. Hope you like it. Let's start. Vistar hai apar, praja dono paar, kare haakar, nishabd sada. ओ गंगा तुम बहती हो क्यों? गंगा भारत की सबसे पवित्र प्रतिष्ठित और धार्मिक नदी है। आई तो थी वह सिर्फ यहाँ राजा भगीरथ की मदद करने के लिए, परंतु हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर उन्होंने पृथ्वी पर अपना घर बना लिया। उन्हें क्या पता था कि शिव की जटाओं की तरह यहाँ उनके हंसने की इजाज़त नहीं है। लाखों हिंदू 1560 मीटर नदी की पूजा करते हैं। गंगा बेसिन भारत में 1.3 अरब लोगों में से 400 मिलियन से अधिक का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। कई लोगों की जीविका गंगा पर निर्भर है, लेकिन अब यह नदी काफी ज्यादा प्रदूषित है। हाईकोर्ट ने जोर देकर यह कहा है कि गंगा में जो प्रदूषण बढ़ा है मुख्य कारण औद्योगिक कचरा और धार्मिक गतिविधियां रहे। गंगा में प्रदूषण का एकमात्र कारण इसके तट पर निवास करने वाले लोगों द्वारा नहाने, कपड़े धोने, सार्वजनिक शौच के एक कारण। अनगिनत टैंकर्स, रसायन खान, कपड़ा मिलों, बुचड़खानों और अस्पतालों का अपशिष्ट गंगा के प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा रहा है। गंगा में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट के अप्रबंधित और अनियोजित प्रवाह के कारण इसके जल की शुद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जल में घुले ये औद्योगिक अपशिष्ट इस जल का प्रयोग करने वाले सभी जीवों के लिए हानिकारक है। ये तो सिर्फ 3 कारण हैं, ऐसे और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से हमारी गंगा आसमान जैसी नीली नहीं काली होती जा रही है। गंगा हमें जल, जीवन और हमारे अपनों को मुक्ति देने के लिए भी जरा भी हिचकिचाती नहीं है, तो हम उसके बारे में सोचने के लिए इतना क्यों हिचकिचाएं? गंगा हमारी माँ है और हम इस देश के युवा, हमें गंगा के लिए एक बड़ा कदम उठाना ही होगा। गंगा नदी जो दशकों से दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, जिसमें सीवेज और औद्योगिक कचरे का निर्वहन किया जाता है, उन्हें साफ करने के लिए सरकार ने 2014 में नमामि गंगा अभियान शुरू किया। लाखों हिंदू 1560 मीटर नदी की पूजा करते हैं। गंगा बेसिन भारत में 1.3 अरब लोगों में से 400 मिलियन से अधिक का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। अगर सरकार 20,000 करोड़ का बजट बना सके, अगर वो इतना समय निकाल सकती है, तो हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? आखिर हम इस देश के युवा हैं और गंगा के साथ हमें प्लास्टिक को पुनः प्रयोग में लाना है, अम्लीय अपशिष्ट को खाद बनाना है, औद्योगिक अपशिष्टता को गंगा से दूर ले जाना है, नाम की गंगा में बहाना। क्यों परंपरा के नाम पर हम गंगा को मैला करते हैं? अपनी शुद्धि के नाम पर उसकी शुद्धि से मैला करते हैं। अपनी गंदगी फेंककर उसको हम गंदा करते हैं। आओ युवा होने के नाते अब उसकी सेवा करते हैं।